नमस्कार फ्रेंड्स, आजकल कच्ची हल्दी बहुत आ रही है मार्केट में। हल्दी गुणों की खान तो है ही, बहुत ही बढ़िया लगती है हल्दी खाने में भी, और हमारी हड्डियों के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे हार्ट के लिए। यदि गुण लिखने लगेंगे ना हल्दी के, तो लिखते ही चले जाएंगे, एक पूरी पूरी की पूरी थ्योरी बन सकती है हल्दी पर। तो आइए आज सुशीला किचन में बनाते हैं हल्दी की सब्जी, कच्ची हल्दी की सब्जी। आइए, हमने लिया है एक बॉल कच्ची हल्दी, जिसे हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, ठीक है। और इसमें लिया हमने 2 टेबलस्पून घी। हल्दी की सब्जी हम घी में बनाएंगे। इसमें डाला हमने जीरा और 1.5 टेबलस्पून हमने लेंगे गार्लिक। हल्दी की सब्जी में लहसुन भी ज़्यादा डलता है, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, लहसुन अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसमें डाल देंगे ये हल्दी सारी। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे तेज आंच पर और घी में। हमें गैस को कर देंगे हम धीमा, और अच्छी तरह से उतार लेंगे जो चिपका हुआ है ना, ये लकड़ी के स्पैटुला से नहीं उतरता, स्टील वाले से उतरेगा। ये देखो, अब चिपकनी बंद हो गई लगभग, क्योंकि इसका पानी सूख गया। हल्दी की सब्जी है ना, यदि कच्ची रह जाएगी ना, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इसका भुनना बहुत जरूरी है, और घी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तेल में भुनी हुई का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। देखिए, अच्छी तरह से हमारी हल्दी है ना, वो भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, मिर्ची, थोड़ी सी तीखी डलेगी। हल्दी की सब्जी है ना, तो ये थोड़ी चटनी की तरह ही खाई जाती है, इसलिए इसमें थोड़ी तीखी डलेगी। और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून दही। घी बिल्कुल अलग हो जाएगा, और मैं फिर से बता रही हूँ, हल्दी की सब्जी में घी थोड़ा सा ज्यादा डलता है। आप इसमें ना, हम इसमें 3 टेबलस्पून घी भी डाल सकते हैं। ये 1.5 कप के लगभग हल्दी थी हमारी क्रश की। हल्दी की जो सब्जी है ना, ये बिल्कुल बनके तैयार है। इस सब्जी को आप 10 से 15 दिन आराम से खा सकते हो। फ्रिज में रख के रहिए, और थोड़ी थोड़ी रोज गर्म करके यूज करते रहिए। इसमें डालते हैं हम हरी मटर, लेकिन हरी मटर की डालने के बाद है ना, आप 2 से 3 दिन ही सब्जी को खा सकते हैं, लेकिन हरी मटर का टेस्ट अच्छा बहुत लगता है। यदि आपने ज़्यादा दिन के लिए बनानी हो ना, तो आप हरे मटर मत डालिए। और यदि आपने 2 दिन या 3 दिन ही सब्जी को चलाना है, या उतनी सब्जी बनानी है, तो आप हरे मटर जरूर से डालिए। तो मैं, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी है, मैं इसमें डाल रही हूँ हरे मटर। ये देखिए, बहुत ही हेल्दी हल्दी की सब्जी मटर के साथ बनके बिल्कुल तैयार है। और मैं फिर बता रही हूँ, मटर पूरी तरह से ऑप्शनल है। आपको मटर डालना है आप डालिए, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 दिन इस सब्जी को आराम से खा सकते हैं आप। हल्दी की ये टेस्टी सब्जी जरूर से बनाइए, और अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। फिर से मिलते हैं सुशीलाज किचन में एक नई रेसिपी के साथ।